हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 735 मिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर लिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि बैटमैन ने फास्ट एंड फ्यूरियस 9 को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे बीट कर दिया है। फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस अराउंड 726 मिलियन डॉलर था, अब बैटमैन का 735 मिलियन डॉलर है और अभी भी इसने अच्छा होल्ड करके रखा है एक्सेसिव कंपटीशन होने के बावजूद, क्योंकि हम जानते हैं बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस वक्त। लेकिन तब भी रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन अभी भी मनी अर्न कर रही है डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है जेम्स बॉन्ड नो टाइम टू डाई मूवी, जिसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस 774 मिलियन डॉलर था, यानी कि लगभग 40 मिलियन डॉलर का गैप है बैटमैन और जेम्स बॉन्ड मूवी में। अब उम्मीद करते हैं कि ये इतना होल्ड करे कि ये जेम्स बॉन्ड मूवी को बीट कर दे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वार्नर ब्रदर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसने बनाया है। अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं कि पेंडेमिक चल रहा है कई कंट्रीज़ में, जिस वजह से ओवरसीज कलेक्शन इसका इफेक्ट हो गया था, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल मूवी साबित हुई है ये वार्नर ब्रदर्स के लिए। तो गाइस, क्या आपको लगता है कि रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन जेम्स बॉन्ड को बीट कर पाएगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।